हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तारिक अब्दुल्ला पट्टी है। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था मोमेंटम के हवाले से कि हम सप्लाई एंड डिमांड में मोमेंटम को कैसे देखें, या किसी भी स्ट्रेटजी में मोमेंटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें विदाउट एनी इंडिकेटर। तो आप देख सकते हैं कि कोई मैंने इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाया हुआ, ना मैं यूज़ करता हूँ अभी। सिंपल सा एक चार्ट है CHF JPY का, H1 का। इसमें हम देखेंगे कि मोमेंटम हम किस तरीके से देखें। देखें, वीडियो देख लेने से ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा जैसा लोग समझते हैं कि हम सिर्फ वीडियो देख के ही जो है वो सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। वीडियो बिल्कुल देखें, पॉइंट्स कवर करें, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, चार्ट खोलना पड़ेगा 1 साल पुराना, उस पर आगे आते जाएं, उसको देखते जाएं कि वाकई ये बात सही है या नहीं है, मार्केट इस चीज़ को फॉलो करती है नहीं। ये तो सिंपल एक प्राइज एक्शन की स्ट्रेटजी, एक इल्म है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं 2020 पांचवा महीना 27 तारीख, ठीक है। अब यहाँ पर मोमेंटम आपको क्या लग रहा है? देखें, पहले 1 मिनट, सिंपल सा हमें दिख रहा है कि ये अपवर्ड मूवमेंट है, एक अप ट्रेंड है, सिंपल सा अप ट्रेंड है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मार्केट हायर आए या हायर लो बनाती जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें मोमेंटम कैसे चेक करेंगे कि भाई मोमेंटम बहुत ज़्यादा है? मार्केट तो छोटी छोटी बेस बनाती हुई ऊपर जा रही होती है, लेकिन हम ये देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है, जिसमें हमें सिर्फ बाय की एंट्री देखनी है। वो किस तरीके से देखना है, ये काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था, वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो एक पैटर्न आपने जहन में रखना है, वो है इनगल्फिंग का, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये पैटर्न है इनगल्फिंग, ठीक है। प्राइस एक्शन आप जानते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ये तो हम यहाँ पर आ गए, सॉरी। संभालता नहीं है ये मुझसे, है ना। हाँ, इसमें देखें आप, ये जो पैटर्न है इंगल्फिन का, ये देखना आपने, ये कैसे अब देखेंगे आप, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिन बहुत कम है, एक ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ डिमांड थी, मार्केट ने इसको टच किया वापस ऊपर। आपने सिर्फ बाय की कैंडल देखनी है इसमें कि किस तेज़ी से बन रही है, और सेल की कैंडल आपने देखनी है कैसी बन रही है। आप ये सेल की कैंडल देखें, छोटी छोटी बन रही है, बिल्कुल वीक वाली, एक दो बनती हैं, लेकिन फिर दोबारा से, क्योंकि अब ट्रेंड होता है तो बाय की जो बायर्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं सारे के सारे ऑर्डर। लेकिन आपने मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडल है वो देखनी है, बेस हैं, छोटी छोटी कैंडल है, बिल्कुल ब्लैक कैंडल जो सेल की है, बिल्कुल छोटी छोटी। यहाँ एक इनगल्फिंग आया, लेकिन यहाँ डिमांड थी, दोबारा ऊपर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से, ये 3 व्हाइट सोल्जर्स जिनको हम कहते हैं पैटर्न प्राइजेक्शन का, ये वो बने कितनी ज़बरदस्त तरीके से, एक छोटा बना उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी कैंडल। 1 मिनट, फिर उससे बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल, फिर यहाँ छोटी सी बेस बनी, फिर यहाँ छोटी सी एक बेरिश इनगल्फिंग बनी, ये इसने मार्केट ने करेक्टिव मूव लिया, यहाँ पर डिमांड थी, देन अगेन बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है। और ये बहुत लोग पूछते हैं, ये इतनी बड़ी जो क्या कहते हैं इम्बैलेंस होता है वो क्या होता है? इसको इम्बैलेंस बोलते हैं मेरे भाई। छोटी सी बेस जब बनेगी उसके बाद एकदम से मार्केट जब शूटअप होती है उसको इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। इम्बैलेंस मतलब मार्केट ने ऑर्डर, जो बड़े ऑर्डर थे मिसाल के तौर पे
जो मिनी मिनी लॉट्स होती हैं उनको वो भी ली, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स थे, स्टैंडर्ड लॉट के ऑर्डर थे, वो मार्केट को एकदम ऊपर पुश करते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर और भी ऑर्डर हो सकते हैं जब यहाँ पर मार्केट दोबारा आएगी, देखते हैं क्या होता है। खैर ये बड़ी बड़ी कैंडल हैं, अब ये देखें फिर दोबारा से मार्केट ने जब करेक्शन करी, जब सेलर्स ने आने की कोशिश करी, तो छोटी छोटी कैंडल है बिल्कुल। ये देखें सेल की भी बाय की भी, क्योंकि ये तो करेक्टिव मूव है बाय का, ये बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल है। एकदम से एक बड़ा मूव यहाँ पे दिखा इनगल्फिंग का, तो लोग यहाँ की इसको देख के करते हैं यार अब तो सेल होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपना ऑर्डर लगा देते हैं सेल ऑर्डर। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एक डिमांड होती है बिल्कुल, अगर हम भले टाइम फ्रेम में जाएं, और ये देखें बिल्कुल दोबारा से थ्री वाइट सोल्जर बने अगेन, बड़े बड़े बड़ी बड़ी कैंडल बगैर विक के। आप इसमें एक चीज़ नोट करेंगे, जो बाय की जो कैंडल है उनके विक बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है, और वो पूरी पूरी कैंडल बन रही है। इसका मतलब मोमेंटम बाय का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। अगेन यहाँ पर आ जाएं, ये देखें थ्री वाइट सोल्जर बने और बहुत छोटे छोटे विक के साथ कैंडल्स बनी। जो बेरिश कैंडल हैं वो दो बनी है, उसके बाद चार कैंडल बाय की बनी है, फिर छोटी छोटी सी कैंडल, ये देखें आप छोटी छोटी सी, ये सेल की कैंडल बनी है। ये है तो इनगल्फिंग, लेकिन ये इतनी बड़ी विक के साथ है, तो इसको हम वैसे ही ऑलरेडी कंसिडर नहीं करते कुछ भी। और देखें इसके फ़ौरन बाद यहाँ पर ये जो विक है, यहाँ पर बायर्स बायर्स थे, यहाँ पर अगली जो कैंडल ही ये शूटिंग स्टार की बनी है, उसके बाद एकदम बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। और अब क्या होता है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर इनगल्फिंग बनती है, ये एक अच्छी इनगल्फिंग है, छोटा सा इसका यानी 75% जो बॉडी है वो सेल की है, पूरी की पूरी ऑर्डर से भरी हुई थी, ऊपर बिल्कुल भी इसके कोई विक नहीं है, छोटा सा विक नीचे है, यानी अब हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है, और ऐसा ही हुआ। ये देखें बड़ी बड़ी कैंडल बनी, और अब जो बाय की कैंडल है वो छोटी होती चली गई, ये बनी दो कैंडल, और मार्केट गिर, फिर बेर है इनगल्फिंग बनी, फिर छोटी छोटी कैंडल बनी बाय की, फिर थी ये देखें ये थ्री डार्क सोल्जर, इसको बेरिश जो पैटर्न है, ये वाइट सोल्जर आपका होता है अप ट्रेंड का, और बुल का होता है, और ये जो डार्क सोल्जर्स होते हैं ये थ्री कैंडल शुरू के, ये होते हैं बेरिश के। ये देखें ये बने चार कैंडल बने, फिर अगेन बाय की छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर बेरिश कैंडल बनी, इससे हमें कंफर्म हो गया अब जो मार्केट है वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ये देखें अभी भी अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब कल मार्केट बंद हुई है डाउन ट्रेंड में ही बंद हुई है, और उसके बाद आप देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी उठने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डिमांड जोन था, इसको क्रॉस नहीं कर पाई, और अगेन मार्केट नीचे आती गई। बड़ी बड़ी कैंडल आप देखें, कैंडल को आपने गौर से देखना है, जो बेरिश हम डाउन वन ट्रेंड में चल रहे हैं, उससे पहले हम जो है वो बाय ट्रेंड में चल रहे थे, लेकिन अब डाउन ट्रेंड में, तो अब आप कैंडल पे गौर करें, जो डाउन ट्रेंड की कैंडल है वो कैसी है, कितनी बड़ी बड़ी है, कैंडल पे गौर करना, और कुछ इंडिकेटर की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद देख रहे हैं कि जो बाय की जो कैंडल है वो छोटी छोटी बन रही हैं, दो चार करेक्टिव मूव होते हैं, लेकिन उसके बाद अगेन बड़ी बड़ी कैंडल बेरिश ही आ जाती हैं, और कम विक के साथ, ठीक है। इसका मतलब है हम डाउन ट्रेंड में, मार्केट तमाम जो डिमांड जो जोन है उनको रिमूव करती जा रही है और नीचे जा रही है, इसका मतलब हम डाउन ट्रेंड में। तो अब आप ये देखें, बिल्कुल आप देख लें कितनी सारी इनगल्फिंग कैंडल हैं बेरिश की, यहाँ पर भी, 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 जबकि बाय की कैंडल बहुत कम है, मार्केट सिंपल लोअर 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 हाई बनाती हुई जा रही है। तो यही तरीका है, नॉर्मल सा तरीका है, 9-10 मिनट की वीडियो होगी बस, इस तरीके से आप जो है जान सकते हैं कि किस तरीके कैसे हम मोमेंटम को देखें बगैर इंडिकेटर के, ठीक है। तो विदाउट एनी इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी चीज़ है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है, बड़ी कैंडल्स को देखना है, वीक उनके नहीं होने चाहिए, और आपको इतना पता होना चाहिए हायर हाई हायर लोज क्या होते हैं, मार्केट जब अप जाती है तो हायर हाई हायर लोज बनाती भी जाती है, जब डाउन आती है तो लोअर 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 हाई बनाती भी जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए, और आपको थोड़ा सा पैटर्न का पता होना चाहिए, मोमेंटम इजीली देख लेंगे, कोई इसमें इशू वाली बात ही नहीं है, सिंपल रखें चार्ट को, नीट और क्लीन रखें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको।